आप सब, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं ऋषभ अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सेलेंस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो भाई आज हमारा सफर जो है एंडिंग की ओर है, हम जब पहुंच रहे हैं लास्ट चैप्टर में बायोलॉजी पोर्शन की ओर। क्यों? क्योंकि सर हमने केमिस्ट्री का मतलब रसायन शास्त्र का पूरा पोर्शन खत्म कर दिया है और अब हम बात कर रहे हैं लास्ट सफर कर रहे हैं किसके, बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर की ओर। लास्ट चैप्टर मतलब क्या, जो जैसे हमारा सीक्वेंस चलते आया, जैसा कि मैं आपको ब्लूप्रिंट में बताया था कि हम जो बात करेंगे कैसे पूरा, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रसायन शास्त्र विभाग का, है ना, रसायन शास्त्र भाग का उसको कंप्लीट करेंगे पहले, उसके बाद चलेंगे बायोलॉजी चैप्टर में, जितने भी चैप्टर जितने यूनिट है उसको कंप्लीट करेंगे। तो आज उसी कड़ी में हम आज बात करने वाले हैं किसके बारे में भाई, इकाई नंबर 8 का चैप्टर नंबर 14 जिसके एक दो नंबर के जो क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करेंगे और कुछ बेसिक जानकारी लेंगे। और वो चैप्टर क्या बोलता है सर, चैप्टर बोलता है जैविक प्रक्रियाएं जो है, चैप्टर नंबर 14 अध्याय नंबर 14 जिसके अंतर्गत हमें पढ़ना है प्रजनन वृद्धि और परिवर्धन। भाई रिप्रोडक्शन का जो टॉपिक है उसके बारे में हमें चर्चा करना है, क्यों इंसान रिप्रोडक्शन करता है, क्यों इंसान अपने जैसे जीव पैदा करता है और क्यों हमारी जनसंख्या बढ़ती है, ये सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत ज्यादा जरूरी चीज है और बहुत ज्यादा बोल सकता हूं, अगर आपको साइंस के स्टूडेंट हैं और अगर साइंस पढ़ रहे हैं तो ये सब की जानकारी रखना बहुत जरूरी है। क्यों रिप्रोडक्शन जरूरी है सर, और रिप्रोडक्शन के लिए हर इंसान को अवेयर होना भी जरूरी है, और इसका जो है पौधों से लेकर आपके जीवों तक इसका कैसे होता है फंडा, ये सब भी हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में बच्चों। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे क्वेश्चन डील करने का, तो क्वेश्चन पर ज़्यादा चलेंगे इस पर। तो ये तो सब पता ही है भाई, रिप्रोडक्शन का सबसे अगर मैं बात करूँ तो सबसे मेन चीज़ अगर बोला जाए जरूरी चीज वो होती है सर कि मादा जनन अंग और पुरुष जनन अंग का मिलने से, है ना, मतलब शुक्राणु और अंडाणु का मिलने से ही होता है सर, क्या वो होता है क्या, एक बच्चे का जन्म होता है। तो ये सबसे जरूरी चीज होती है, तब जाके क्या होती है भाई, तब जाके रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। वैसे ही बात करूँ पौधों में, तो पौधों में भी इस सिक्वेंस का फॉलो होता है, उसमें भी क्या होता है भाई, उसमें भी पुंकेसर, है ना, स्त्री केसर, इन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में, और आने वाले जो 6 अंक क्वेश्चन है उसमें भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो ये सब कुछ बेसिक जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी जरूर, और पूरा अगर आपको चाहिए तो हमारे दिए गए नंबर पे बिल्कुल चर्चा करिए, फोन लगाइए और हमारे ऐप में आइए, पूरा डिटेल्स वीडियो मिल जाएगा आपको। हम बात करते हैं भाई पीआईक्यू के बारे में। तो ये मैं बता दूं भाई, जो स्पर्म है ना, जो शुक्राणु है वो जो है अंडाणु से मिलता है, तब जाकर क्या होता है भाई, निषेचन की क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है, प्रजनन की क्रिया होती है, तब जाके जीव का क्या होता है भाई, विकास होता है, जीवों का विकास होता है, जीवों का जन्म होता है, बच्चे का निर्माण होता है, बच्चे पैदा होते हैं। ये तो पता ही है, आप पूरा हर चीज़ से फैमिलियर ही है, आप कक्षा 10वीं के स्टूडेंट हैं, आपको पूरा ये चीज़ पता ही होगा, बेसिक जानकारी भी पता होगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जिनके बारे में जानना भी जरूरी है जो कि आपको नहीं पता होगा, तो उस सब के लिए आपके चैप्टर में अच्छे से दिया गया है बच्चों, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपको कुछ भी दिक्कत होती है, कुछ भी डाउट होती है, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, आंसर कमेंट कीजिए और हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं भाई, और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे दिए गए नंबर पर भी जा सकते हैं। तो हम बात करते हैं सर रिप्रोडक्शन के टॉपिक पर। सर तो रिप्रोडक्शन के टॉपिक में कुछ क्वेश्चन भी आते होंगे, उस पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके सर उस चैप्टर का डिस्कशन करेंगे और उस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, तो जाके हमें कुछ चीजें जो टॉपिक है वो क्लियर नहीं रहेगी, वो भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, यहां तक की बात समझ में आई। देखिए क्वेश्चन सर, तो चलो देख लेते हैं। हमारे शरीर के लगभग सभी कोशिकाओं में निम्नलिखित प्रकार के कोशिका विभाजन होता है। सभी कोशिका में जो विभाजन होने वाली क्या है भाई, कोशिका विभाजन वो कौन कौन से है भाई, एक होती अर्धसूत्री, एक होती एकलिंगी, एक होती समलिंगी और एक होती समसूत्री। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, वो है क्वेश्चन नंबर 2018 पूछा गया था ये, कब सर, एक नंबर क्वेश्चन पूछा 2018 सेट बी में। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, समलिंगी होगा। क्या होगा, समलिंगी। ठीक है बच्चों, देखो दूसरा तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, ये बोलता है कि निम्न में से कौन जो है मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, इसमें से कौन सा ऐसा पोर्शन है, कौन सा ऑप्शन है जो कि मादा जनन भाग में नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, लैंगिक प्रजनन से क्या होती है भाई, विभिन्नताएं बढ़ती है, विभिन्नताएं बढ़ती है, या फिर नर और मादा जनन कोशिकाओं के युग्मन द्वारा युग्मनज बनता है, या फिर आंसर है ये दोनों सही है, या तो फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो भाई इसका चर्चा करो भाई, इसका क्या होगा सर, तो इसका आंसर क्या होगा, अब शुक्राणु होता है पुरुष के शरीर से निकलने वाला, जो क्या है भाई, अणु है शुक्राणु। अब सर शुक्राणु अगर पुरुष का है तो वो मादा जनन तंत्र तो आ गया नहीं, तो इसका ऑप्शन देखो, अंडाशय कहाँ होता है भाई, मादा जनन में होता है, गर्भाशय मादा जनन में होता है, डिम्बवाहिनी मादा जनन में होता है, शुक्रवाहिका जो कि किसके शरीर में होता है भाई, पुरुष जनन तंत्र में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जो पूछा क्या गया है, मादा जनन तंत्र में का भाग नहीं है, तो कौन भाग नहीं है भाई, शुक्रवाहिका। आंसर समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट, देखो क्या
लैंगिक प्रजनन में क्या होती है भाई, विभिन्नताएं बढ़ती है, ठीक है सर, नर और मादा जनन कोशिकाओं में भी ये प्रोसेस होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है बच्चों। द्वारा ट्रम्प पूछा गया था इससे, और बाकी क्वेश्चन नहीं आया था, बाकी क्वेश्चन आया था क्या, एक नंबर क्वेश्चन में। चलो चलते हैं सर, वो एक नंबर एक अंक कैसे कैसे प्रश्न आए थे, ये उचित संबंध जोड़ों के रूप में भी आ सकता है, और ये पूछ सकता है क्या भाई, फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछ सकता है, और ये एमसीक्यू भी पूछ सकता है, पूछने ऊपर वाला, पूछने के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ तो देखो भाई क्या बोलता है, अपने ही समान लक्षणों वाले जीवों को उत्पन्न करने की घटना क्या कहलाती है भाई, बताओ भाई क्या घटना क्या कहलाती है, बताना, हम थोड़ी देर बताएंगे इस पे, सोच के रखिए तब तक। फिर क्या बोलता है, समय के साथ आयतन और आकार का बढ़ना क्या कहलाता है, समय के साथ आयतन और आकार का बढ़ना क्या कहलाता है, मतलब तुम छोटे थे भाई, अब कक्षा दसवीं में आ गए, 10 साल पढ़ाई किए तब इतना पहुंचे, क्या आपका हेल्थ या क्या आपका शरीर जैसा पहले था वैसे ही है, जैसे पहला मतलब कक्षा पहली में थे, या फिर क्लास वन में थे, या फिर नर्सरी में थे, या फिर आंगनबाड़ी में थे, तो उस टाइम का जो आपका बॉडी है, उस टाइम का जो आपका शरीर है, क्या अभी कक्षा दसवीं में वैसी है, ये इस 10 साल के सफर में, इस 10 साल के समय में आयतन और आकार, क्या आपका शरीर का साइज है ना, चौड़ाई और आपका हाइट, ये बढ़ा है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सोचिए जरा। फिर एकल जीव से अगली पीढ़ी का जन्म होता है, कब होता है सर एकल जीव से, इसके बारे में बताइए। फिर आरएनए का फुल फॉर्म क्या होगा, आरएनए किससे डिपेंड करता है, ये पूछा गया था 2022 में। नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संलयन कहलाता है, क्या होता है भाई ये दोनों का जब जुड़ाव होता है, तो इसको बताइए। फिर बोलता है सर निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, इसको बताइए। फिर पूछ सकता है डीएनए का फुल फॉर्म बताइए, फिर डीएनए को किसने बताया था, वाटसन क्रिक में बताया था, आंसर बता देता हूं मैं पहले से। चलो देखते हैं अब सबका आंसर देखते हैं सर, अपने समान लक्षणों वाले जीव को उत्पन्न करने की घटना कहलाती है भाई, प्रजनन कहलाती है। फिर कहा गया समय के साथ आयतन और आकार का बढ़ना कहलाता है, क्या कहलाता है, वृद्धि कहलाता है, मतलब ग्रोथ कहलाता है ना, ठीक है। और जो तीसरा ऑप्शन था क्या, वो बोलता है एकल जीव से अगली पीढ़ी का जन्म होना क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका अलैंगिक प्रजनन कहलाता है, अलैंगिक है ना ये, अलैंगिक, ठीक है बच्चों, यहाँ तक की समझ में आए बात। और जो चौथा नंबर जो आरएनए, आरएनए किससे डिपेंडेंट है भाई, यूरेसिल से डिपेंडेंट है, और नर और मादा का जो मिलन होता है वो क्या कहलाता है सर, निषेचन कहलाती है। फिर छठवां ऑप्शन क्या था, छठवां क्वेश्चन क्या था, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, वो कहाँ होती है, कहाँ भाई लैंगिक प्रजनन के समय जो है निषेचन की क्रिया होती है, डीएनए के बारे में वाटसन और क्रिक ने बताया था, ये हुआ किसके बारे में भाई, ये हुआ आपके एक नंबर ही क्वेश्चन, बात समझ में आई, ये पूरा प्रोसेस होता है जिसको पढ़ेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन में भी डिस्कस करेंगे, चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से दिया है, और हमने ऐप में भी पूरा वीडियो बना के रखा हुआ है आपके लिए, आप बिल्कुल आइए, सब्सक्रिप्शन लीजिए और पढ़िए भाई। हाँ तो यहाँ तक की बात समझ में आई, अब देखो ये सब क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकती है, ये क्वेश्चन घुमाकर भी दिया जा सकता है, ये बस आपके क्या है भाई रेफरेंस के तौर पर भी कुछ क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है भाई, ठीक है बच्चों, यहाँ तक की बात समझ में आई। अब देखते हैं सर क्या, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, पौधों में वृद्धि को रोकने के क्या कहलाता है भाई, हार्मोन, 2017 में पूछा गया था सर। सूचनाओं का आदान प्रदान खालिस्थान कोशिका के द्वारा होता है, तंत्रिका कोशिका के द्वारा होता है। खालिस्थान गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए अनिवार्य है भाई, जो आंवल होता है जिसके जरिए बच्चा जुड़ा रहता है वही उसका आंसर होगा। खैर चलो चलेंगे। चौथा देखो, मनुष्य की कोशिकाओं में खालिस्थान जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, मैं बताया हूँ, हर बार बताया हूँ, कितने जोड़ी होते हैं भाई, 23 जोड़ी होते हैं, ठीक है। फूल के पुंकेसर के समूह को क्या कहा जाता है, फूल के स्त्री केसर के समूह को क्या कहा जाता है, अब देखो आंसर देखो, पहला में आ जाएगा एब्सिसिक अम्ल बोलते हैं, पौधों में वृद्धि को रोकने वाला जो हार्मोन है उसको बोलते हैं एब्सिसिक अम्ल। फिर सूचनाओं का आदान प्रदान कौन करता है, तंत्रिका कोशिका करता है, बताया था आंसर। गर्भ में पल रहे बच्चे को अनिवार्य क्या है भाई, आंवल, जिस माध्यम से वो जुड़ा रहता है, ठीक है। अब मनुष्य की कोशिकाओं में कितने भाई, 23 जोड़ी होता है, ये तो पता ही आपको। और देखो फूल के पुंकेसर के समूह को क्या बोलते हैं भाई, पुमंग बोलते हैं, और स्त्री केसर क्या बोलते हैं, जायांग बोलते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आई भाई, सिंपल क्वेश्चन आया था जो कि भाई क्या है, वो पूछा गया था कब कब, 2017 में पूछा गया था, ये भी 2017 में पूछा गया था, और जो हम उसको डील किए वो 2022 में पूछा गया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब चलते हैं भाई 2 नंबर के क्वेश्चन कैसे आया था सर, उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं कि क्या क्या इससे संबंधित है। तो हमें पता चलता है सर देखो वर्धी प्रजनन क्या बोलता है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है 2 नंबर क्वेश्चन, वर्धी प्रजनन क्या है, तो देखो क्या बोलता है, ऐसे पौधे जिनमें बीज नहीं बनते, एक नए संतति या फिर नए पौधे की
जो बनता है उसे वर्धि प्रजनन विधि द्वारा बनते हैं। कब? जब जो है बीज ना बने और उनके नए संतति, नए पौधे का निर्माण होना हो तो वो कहलाते हैं वर्धि प्रजनन। इस विधि द्वारा नए पौधे का जो निर्माण है बिना बीज के उत्पन्न किया जाता है, इस प्रकार के पौधे को क्या बोलते हैं भाई? वर्धि प्रजनन बोलते हैं। वर्धि बोलते ही पता चलना चाहिए कि नए बीज, नए पौधे का निर्माण जो है कैसे होता है बच्चों? वो जो है बिना बीज के हो जाना ही, बिना बीज, जिनमें बीज नहीं होते वही वर्धि प्रजनन कहलाता है। कब पूछा गया था? 2018 में सेट बी में पूछा गया। बात समझ में आई बच्चों? क्लियर। और देखो सर क्वेश्चन, पुनरुद्भवन किसे कहते हैं? यदि कोई जीव प्रतिकूल परिस्थिति वश अनेक टुकड़ों में टूट जाए तो प्रत्येक टुकड़ा पुनः नए जीव में विकसित हो जाता है, इस विधि को बोलते हैं पुनरुद्भवन, जो कि 2019 में पूछा गया था 2 नंबर के। ठीक है, कब? जब प्रतिकूल परिस्थिति में भी, मतलब जो परिस्थिति सही नहीं है उसके बावजूद वो अनेक टुकड़ों में टूट जाए तो प्रत्येक टुकड़ा पुनः नए जीव में, मतलब क्या, डेवलपमेंट होना ही कहलाता है। क्या? पुनः, मतलब नया डेवलपमेंट हो जाना, परिस्थिति जो भी हो नया डेवलपमेंट हो जाना ही क्या कहलाता है भाई? विकसित हो जाना ही क्या कहलाता है? इस विधि को पुनरुद्भवन कहते हैं। बात समझ में आई बच्चों? क्लियर। आगे देखिए सर, बीजाणु किसे बोलते हैं? ये तो सिंपल क्वेश्चन है भाई, 2019 में यही पूछा गया था। पादपों में निषेचन के बाद फूल की पंखुड़ी, पुंकेसर, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र, जो कि किस, बहुत जरूरी होता है किसके लिए भाई? पौधों के नए डेवलपमेंट के, नए पीढ़ी के लिए, नए निषेचन होने के बाद के लिए बहुत जरूरी होता है। ये जो है बाह्य दल सूख जाता है और अंडाशय शीघ्रता से वृद्धि करता है। इनमें स्थित कोशिकाएं विभाजित होकर वृद्धि करती है और बीज का भंडार आरंभ हो जाता है, जिसे ही बीजाणु कहते हैं। मतलब क्या समझे? जो स्टोरेज होता है बीज का, है ना, जो पौधा की बात करूं तो वो जो है स्टोरेज हो जाता है वो कहलाता है बीजाणु। ठीक, समझ में भाई? बीज अणु मतलब होगा क्या भाई? बीजाणु। ठीक, क्लियर हुआ बच्चों? समझ में आया? और देखते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। मुकुलन क्या है? ये भी प्रोसेस होता है भाई, इजी प्रोसेस है, 2019 पूछा गया था। किसी जीव के शरीर के आधार से नन्ही कलिया निकल आती है जो वृद्धि कर नए जीव बनाती है, यही कलिया क्या कहलाती है भाई? मुकुलन कहलाती है। नन्ही कलिया, छोटी छोटी जो कलिया रहती है वही मुकुलन कहलाती है। और डीएनए का पूरा नाम लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है भाई, क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि डीएनए का फुल फॉर्म है। पौधे के नर जननांग को पुंकेसर कहते हैं और, है ना, पुमंग और क्या बोलता है, पुमंग जिसमें पराकोष और तंतु होते हैं, ये उसका आंसर हो जाएगा। फिर और क्या बोलता है सर? पौधे में मादा जननांग के नाम लिखिए, जायांग बोलते हैं जिसे, जिसमें अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र होता है। ठीक, क्लियर हुआ बच्चों? दो नंबर क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल, इसको भी याद रखना जरूरी है आपको। ठीक है, और क्या बोलते हैं, परागण किसे बोलते हैं? पराग कोष में स्त्री केसर, है ना, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर परागकण का पहुंचना ही परागण कहलाता है। परागण जो है, देखो हम नर मादा की बात करते हैं तो सरल समझ में आ जाता है, जब हम मनुष्य की बात करते हैं, जब पौधों में बात करूं तो पराग कोष में स्त्री केसर, है ना, के वर्तिकाग्र पर परागण, पराग कण का पहुंचना, है ना, पराग जो कण है उसका पहुंच जाना, कहां भाई? वर्तिकाग्र के, कहां? स्त्री केसर में, ना, मतलब अभी जैसे ही मैं पौधे पर चर्चा करूंगा, जब पौधों में जाऊंगा मैं, स्ट्रक्चर बनाऊंगा और बताऊंगा तो आपको और समझ में आ जाएगा ये क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। या फिर पढ़ भी लिए होंगे, इतना रिविजन तो कर रहे ही होंगे, तो है ना, अगर पूरा डिप चाहिए आपको अच्छे से पढ़ना है तो बिल्कुल ऐप में आइए, पूरा डिटेल्स वीडियो मिल जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई बच्चों? ठीक है, और देखो एड्स जो कि बीमारी है, असुरक्षित जो निषेचन की क्रिया हो उसमें होता है एड्स होने के चांसेस, है ना, तो वो क्या होता है सर एड्स, उसको देखते हैं। इसको बोलते हैं फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि क्या है भाई? विषाणुओं के द्वारा होता है। विषाणुओं मतलब क्या? वायरस के द्वारा ही होने वाला जो बीमारी है वो क्या कहलाता है सर? एड्स कहलाता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। बात समझ में आई बच्चों? क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्या बोलता है सर, युग्मनज क्या है? युग्मकों के संयोजन से बनी कोशिका को युग्मनज कहते हैं। युग्मकों के संयोजन से, जब युग्मक जो है दोनों मिल जाए, कॉम्बिनेशन हो जाए, तो उसको बोलते हैं क्या? युग्मनज कहते हैं। ठीक है बच्चों? ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई? हमारा एग्जाम सीरीज मिशन 2023 चल रहा है भाई, तो आप बिल्कुल हमारे ऐप में आएंगे और जो भी दिक्कत है हमसे डिस्कस कर सकते हैं भाई। आज के लिए इतना करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।